हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट ऑर्डर, दैट इज ऑर्डोनाटा के बारे में। सो मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारे आपको ऑर्डर्स के बारे में पढ़ाया हुआ है, उनमें से एक है ऑर्डोनाटा। ऑर्डोनाटा जो है, इनके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। इसमें जो बेसिकली जो इंसेक्ट आता है, दैट इज ड्रैगन फ्लाई। आपने ये फ्लाई को तो बहुत बार देखा होगा, और मोस्टली ये फ्लाई जो आपको कहाँ पे दिखेंगे, आपको स्प्रिंग सीजन में दिखेंगे, या फिर जब आप नदी के किनारे होते हो, या फिर ऐसे जगह पे होते हो जहाँ पे कोई ना कोई आप आस पास में वाटर बॉडीज हो, वहाँ पे ये इंसेक्ट तो बहुत ज्यादा, मतलब जो फ्लाई है वो बहुत ज्यादा दिखता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर, जहाँ पे आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। आप वहाँ पे और भी लेक्चर्स को देख सकते हो। सो मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे ऑर्डर्स के बारे में, बहुत बेसिक्स ऑफ द एंटोमोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है। सो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। आते हैं इसके बेसिक पॉइंट पे। तो अगर हम इसके इटाइमोलॉजी के बारे में बात करते हैं, यानी इसके वर्ड यानी ऑडोनाटा का मतलब क्या होता है, तो ऑडोनाटा में जो ओडॉन वर्ड है, ओडॉन वर्ड का मतलब होता है टूथ। ठीक है, मतलब हम देखेंगे इनमें जो इनका जो माउथ पार्ट है, उनमें हम टूथ देखेंगे, मतलब टूथ लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे, जो कि बेसिकली अब ह्यूमन टीथ जैसा तो होगा नहीं, लेकिन हाँ जो फंक्शन है, यानी फंक्शनली अगर हम देखें तो वो जो हमारे ह्यूमन टूथ है यानी दांत जो है, उनकी तरह ही फंक्शन करता है इन इंसेक्ट्स में भी। इनको कॉमन नेम से अगर हम बात करें तो ड्रैगन फ्लाइज कहते हैं और डैमसल फ्लाई। आपने ड्रैगन फ्लाइज भी देखा है और डैमसल फ्लाई भी देखा, भी अपकमिंग आपको स्लाइड्स में इनके इमेजेस को दिखाऊंगा, आप उनको बहुत ही इजीली पहचान पाओगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे हम देखने वाले हैं जनरल इनके कैरेक्टर्स के बारे में। तो आपने इस इंसेक्ट को देखा होगा, ये जो हम जो देख रहे हैं सामने ड्रैगन फ्लाई, इसमें आप देखो इनकी बॉडी क्या है, एक अगर हम बात करें तो तीन सेगमेंट में, ठीक है, हेड, ठीक है, थोरेक्स पार्ट, और इसके बाद में इनका एब्डोमेन पार्ट है। ठीक है, बेसिकली इनको हम लोग कह देते हैं टेल, तो टेल नहीं है, हाँ एंडिंग पोर्शन को आप टेल कह सकते हो, जो अगर हम बात करें थर्ड पोर्शन का जो एंडिंग है, लेकिन जनरली क्या है इनका, जो एक हेड पार्ट है, फिर थोरेक्स पार्ट है, थोरेक्स में वैसे ही होगा, आप विंग्स देख लो यहाँ पे, फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स, और फिर मतलब बेसिक इंसेक्ट का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे भी है, सारी चीजें हैं यहाँ पे। सो इसमें अलग क्या है, उन्हीं सारी चीजों को हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो मूविंग टू द कैरेक्टर्स, सो सबसे पहले मीडियम टू लार्ज साइज बॉडी इंसेक्ट, ये बहुत छोटे छोटे नहीं होते, मीडियम साइज और लार्ज साइज के इंसेक्ट्स होते हैं। दे आर अट्रैक्टिवली कलर्ड, आपने ग्रीन कलर के, रेड कलर के ड्रैगन फ्लाइज को देखा होगा। ठीक है, इवन अगर हम बात करें डैमसल फ्लाइज, उनको भी अपने रेड और ग्रीन कलर, इवन अलग अलग कलर, लाइट ग्रीन कलर में, ग्रीन में भी बहुत सारे मल्टी कलर्स में आपने देखा होगा इनको। ठीक है, हेड इज ग्लोबुलर, ठीक है, कंस्ट्रिक्टेड बिहाइंड ए पेट्यूलेट नेक। पेट्यूलेट नेक का मतलब क्या होता है, जैसे कह सकते हैं ना कि देखो पेट्यूलेट, आप पेट्यूल अगर आप देखोगे तो पत्ते पे इस वाले पार्ट को हम पेट्यूल कहते हैं ना, अगर ये पत्ता लगा हुआ है तो दिस इज योर पेट्यूल पार्ट। तो पेट्यूल कैसा होता है, बहुत मतलब अगर हम बोले तो नैरो होता है ना, तो इनका जो नेक होता है ना बहुत नैरो होता है, इसमें बहुत अगर देखें एक तो नैरो और बहुत छोटा सा होता है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा यहाँ पे इंसेक्ट का हेड दिखेगा और यहाँ पे इतना बड़ा सा नेक नहीं होने वाला, ये जो नेक है बहुत छोटा सा है, बेसिकली अगर हम देखें तो 1 से 2 सेगमेंट का होता है। ठीक है, और बहुत नैरो होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पेट्यूलेट नेक। ठीक है, इनमें कंपाउंड आईज पाई जाती है जो कि लार्ज होते हैं, आपने देखा भी होगा सामने से। ठीक है, अगर आप कभी इनको पकड़ा होगा अपने बचपन में तो आपने देखा होगा कि इनके इनके बड़े बड़े से आंख होते हैं, दैट इज अ कंपाउंड आई। ठीक है, और इनमें सिंपल आईज भी प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड ऑसिली, जो कि इन नंबर अगर हम बात करें 3 पेयर नहीं, 3 नंबर में होते हैं। ठीक है, माउथ पार्ट्स आर एडेप्टेड फॉर बाइटिंग। ठीक है, ये मतलब इंसेक्ट को अगर देखिए, ऑब्वियस है कि हमारा माउथ पार्ट भी क्या बाइटिंग एंड चिविंग टाइप है ना, तो इन इनमें भी टूथ पाया जाता है, तो ये भी बाइटिंग टूथ इनमें भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, दे आर सॉरी मैंडिबल्स आर स्ट्रांगली टूथ। ठीक है, लेसिनिया एंड ग्लिया आर फ्यूज टू फॉर्म ए माला विच इज ऑल्सो टूथ। ठीक है, मतलब दो पार्ट जो इनका माउथ पार्ट, माइन्यूट पार्ट है, ग्लिया और लेसिनिया, ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं और एक एक पार्ट बनाते हैं विच इज लाइक माला, और जो वो उनपे भी दांत निकला होता है, कैसे कहते हैं टूथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो आपको इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ जाने की नीड नहीं है, जब तक हम डायग्राम पे नहीं आते तब तक ये चीजें, और बहुत ज्यादा ऐसा थोड़ी कि एक इंसेक्ट के बारे में बहुत इन डेप्थ पढ़ने वाले। हाँ ठीक है, इनमें क्या है, लेसिनिया और ग्लिया मिलकर माला लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं विच इज ऑल्सो टूथ, यानी उनपे भी टूथ बियरिंग या फिर टूथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, विंग्स आर आइदर इक्वल, ठीक है, और सब इक्वल। ठीक है, इक्वल भी हो सकते हैं, और सब इक्वल कहने का मतलब क्या होता है कि नियरली इक्वल। ठीक है, विंग्स आर मेम्ब्रेनस, ठीक है, लेदरस नहीं होता है, मतलब लेदर लाइक नहीं होता, मेम्ब्रेनस होता है, यानी हम कह सकते हैं लेदर लाइक विंग्स, मतलब आप जैसे देख पा रहे हो कि इनमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है ना, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस विंग्स। ठीक है, ओके, वेनेशन इज
वेनेशन इज नेटवर्क लाइक, ठीक है, आप देख भी पा रहे हो, मैंने विंग वेनेशन में बहुत कंप्लीट बहुत अच्छे से एक लेक्चर पढ़ाया, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। इसमें विंग वेनेशन होता है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें आपको नहीं पता, आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, तो आपको मैं बता देता हूँ। दिस जो ब्लैकिश रीजन होता है ना, ये ब्लैकिश रीजन, इनको हम लोग कहते हैं पेट्रोस्टिग्मा। क्या कहते हैं? ठीक है, इसको कहते हैं पेट्रोस्टिग्मा। और ये जो रीजन है ना, बाउंड्री, ब्लैकिश जो बाउंड्री दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड नोडस। ठीक है, ये जो ब्लैकिश बाउंड्री है ना विंग का, ठीक है, जिसे हम लोग लीफ में कहते हैं लैमिना या फिर ब्लेड ऑफ द लीफ, जो बाउंड्री होता है, ठीक है, ये उनमें इनमें क्या कहते हैं, इनको नोडस कहते हैं। हमें ये वर्ड जो नोडस है वो जस्ट अभी मिलने वाला है, तो आप देखो उस चीज को, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो विंग्स आर इक्वल एंड सब इक्वल मेम्ब्रेनस, वेनेशन इज नेटवर्क लाइक एंड मेनी क्रॉस वेन्स प्रेजेंट है। क्रॉस वेन्स किनको बोलते हैं? जो मेन वेन से बहुत सारे कनेक्शंस निकले होते हैं ना, वो क्रॉस वेन्स कहलाते हैं। विंग्स हैव ए डार्क पेट्रोस्टिग्मा, मैंने बताया डार्क रीजन जो ब्लैकिश रीजन आपको विंग्स पे दिखता है, दैट इज कॉल्ड पेट्रोस्टिग्मा। ठीक है, टुवर्ड्स द कोस्टल एपेक्स, विंग्स का भी रीजन हमने पढ़ा है ना, कोस्टल रीजन। ठीक है, तो पेट्रोस्टिग्मा कहाँ पे है? कोस्टल रीजन पे है। ठीक है, ओके। सब कॉस्टा एंड्स इन नोडस, नोडस में हमने बात किया ना, नोडस इज कॉल्ड द बाउंड्री। ठीक है, ओके। विंग फ्लेक्सिंग मैकेनिज्म इज एब्सेंट। अब विंग फ्लेक्सिंग क्या होता है? जैसे आपने कभी कॉकरोच को देखा होगा, जब वो फ्लाई करता है तो उसके विंग्स क्या होते हैं, बॉडी से बहुत दूर हो जाते हैं, मतलब मेन जो बॉडी है, और जब वो रेस्ट पोजिशन में आता है तो सारे जो विंग्स आते हैं उसके मेन बॉडी को कवर कर लेता है। ठीक है, लेकिन आप अगर इन इंसेक्ट्स को देखोगे तो इनके बॉडी को, यानी कह सकते हैं कि जो थोरेक्स रीजन है उसके ऊपर ये विंग्स नहीं आएगा, मतलब बॉडी को कवर नहीं करेगा, एब्डोमेन रीजन को कवर नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड विंग फ्लेक्सिंग मैकेनिज्म, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉकरोचेस में प्रेजेंट होता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स में हमने देखा है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है। जब ये अगर बैठेंगे भी ना कहीं पे, रेस्टिंग पोजिशन में भी होंगे, तो इनके इनका जो विंग्स है वो साइड, बॉडी के साइड साइड पे ही होगा, ये नहीं कि इनके ऊपर में आके इसको बॉडी को कवर करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आई होप ये जो विंग फ्लेक्सिंग मैकेनिज्म है ये आप समझ पा रहे होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेग्स आर एंटेरोवेंट्रली प्लेस्ड। एंटेरोवेंट्रली क्या होता है? एंटेरो मतलब आगे की साइड, और वेंट्रल मतलब जो टुवर्ड्स अर्थ है। ठीक है, तो लेग्स जो है आगे की तरफ और जमीन की तरफ झुके हुए हैं। ठीक है, ऑब्वियसली लेग्स तो वैसे ही होते हैं वेंट्रल साइड पे, अब डॉर्सल साइड पे तो होगा ही नहीं, फिर फंक्शन ही नहीं होगा उस चीज का। लेकिन इस पोजिशन को हम क्या कहते हैं? एंटेरोवेंट्रली प्लेस्ड। दे आर सूटेड फॉर ग्रेस्पिंग, ठीक है, लेग्स के बारे में बोला जा रहा है, ग्रेस्पिंग पकड़ने के लिए, ठीक है, होल्डिंग, ठीक है, कुछ टाइम होल्ड करने के लिए, एंड कन्वेइंग दी प्रे टू दी माउथ, माउथ की तरफ ले जाने के लिए जो लेग्स हैं वो काम आते हैं। स्पाइनोस फेमोरा एंड टीबिया आर यूजफुल फॉर होल्डिंग दी प्रे। स्पाइन वाले फेमोरा, फेमोरा जो अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमने लेग के पार्ट के बारे में पढ़ा ना, टीबिया वगैरह, तो उस ये पार्ट है। स्पाइनोस फेमोरा कहने का मतलब क्या है? स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं और टिबिया और फीमर जो मिलके एक स्ट्रक्चर कह सकते हैं कि ये टिबिया और फीमर जो है ना, ये मिलके प्रे को होल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ द लेग अटैचमेंट अलॉयज अलॉय अलाउज द इजी ट्रांसफर ऑफ द प्रे आइटम टू द माउथ इन फ्लाइट। ये उड़ते टाइम भी अगर हम बात करते हैं तो किसी को पकड़ के, किसी छोटे इंसेक्ट को पकड़ के, जैसे मॉस्किटो को खाते हैं, तो मॉस्किटो को उड़ते टाइम ही पकड़ के आराम से इनका जो लेग का जो अटैचमेंट है वो उनको बहुत एक आराम से कह सकते हैं कि उनको बहुत इजी वे मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, ताकि वो फ्लाइंग करते टाइम भी इंसेक्ट को अपने माउथ की तरफ ले जा पाते हैं। ठीक है, लेग्स आर हेल्ड इन सच ए वे दैट ए बास्केट इज फॉर्म इन टू विच द फूड इज स्कूप्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना है इनके भी लेग में अगर हम बात करें तो बास्केट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऑर्डोनाटा जो हमारा ऑर्डर है उसमें बास्केट प्रेजेंट है। एब्डोमेन इज लॉन्ग एंड सिलेंडर। इन मेल गोनोपोर इज प्रेजेंट इन 9th एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है, कहाँ पे? 9th एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है, एब्डोमेन का जो 9th सेगमेंट है वहां पे मेल गोनोपोर प्रेजेंट होता है। बट द फंक्शनली कॉपुलेटरी कॉपुलेटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट ऑन द सेकेंड एब्डोमिनल स्टरनाइट। ठीक है, स्टरनाइट, टर्गाइट, ये सारे में बहुत सारे बेसिक बेसिक पार्ट्स पड़े हैं, इनके स्क्लेरिट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सेकेंड एब्डोमिनल सेगमेंट पे जो स्टरनाइट है, जो नीचे स्टर्नम की तरफ वेंट्रल साइड में जो उनका जो क्यूटिकल लेयर है, बाहर की साइड पे लेयर है, दैट इज कॉल्ड स्टरनाइट। ठीक है, स्टर्नम साइड पे, तो वहां पे मेल जो जो मेन फंक्शनल कॉपुलेटरी ऑर्गन है प्रेजेंट होता है। बिफोर मेटिंग स्पर्म्स आर ट्रांसफर टू दी फंक्शनल पेनिस। ठीक है, मेटिंग के पहले ही जो स्पर्म्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है फंक्शनल पेनिस में। सर्कस, ठीक है,
जो एनएल सरकाई हम कहते हैं, इज वन सेगमेंटेड, यानी एक सेगमेंट प्रेजेंट होता है. मेटामॉर्फोसिस इनकम्प्लीट है, बहुत ईजी, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है. मेटामॉर्फोसिस बहुत टाइप के, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहने का मतलब क्या है, इनमें अगर बात करेंगे तो इनके लाइफ के थ्री स्टेजेस हैं. और जैसे कि इनको क्या हो, इनके लाइफ स्टेज, एक तो एडल्ट हो गया, उससे छोटा निम्फ होगा, उससे पहले क्या होगा, एग होगा, ठीक है. तो नाइड इज एक्वाटिक, यानी इनका जो बच्चा है, यानी जो एडल्ट होने के पहले जो का जो स्टेज है वो एक्वाटिक होता है. इसीलिए मैंने आपको बोला मोस्टली कहाँ दिखते हैं, रिवर बॉडीज के पास, वाटर बॉडीज के पास ही ज्यादा दिखते हैं, ठीक है. लैबियम इज जनरली इलोंगेटेड, लैबियम क्या है, माउथ का एक पार्ट है, वो जनरली इलोंगेटेड होता है, जॉइंटेड एंड बियर्स टू हुक्स एट एपेक्स, ठीक है, उनमें दो हुक पाए जाते हैं, ठीक है. लैबियम जो होता है इलोंगेटेड होता है, और जॉइंटली अगर बात करें दो हुक प्रेजेंट होता है लैबियम में, ठीक है. और वो जो दो हुक है मिलके एक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज कॉल्ड मास्क. अगर आप सामने से ड्रैगन फ्लाई को देखोगे भी ना, तो इनका हेड इस तरीके से आपको दिखेगा जैसे कि उन्होंने मास्क लगा रखा है, ठीक है. आप देखो, मैं इसका आप इमेज दिखाता हूँ, मतलब हेलमेट या फिर मास्क लगा रखा है, ये इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है. वही बताया जा रहा है कि इनका जो लैबियम है, वेट अ सेकेंड, लैबियम जो है वो इलोंगेटेड होता है, और उनमें हुक्स प्रेजेंट होते हैं एपेक्स आगे की साइड पे, जो कि एक मास्क का फॉर्मेशन करते हैं. इट इज यूजफुल टू कैप्चर द प्रे. अब ये मास्क हेल्प करता है, लैबियम जो का जो हुक है वो हेल्प करता है टू कैप्चर द प्रे. आई होप ये वाला जो कैरेक्टर का जो पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपना एक पेट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, दैट इज इंटमोलॉजी कंप्लीट कोर्स, विच इज ऑफ 4500. हाँ, आप अभी हमने इसको डिस्काउंट भी दिया हुआ है, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. सो आप 4500, आप जब इसको परचेज करने के लिए जाओगे तो आपको वेबसाइट पे जाना है हमारे, दैट इज gofforagriculture.com/courses. वहाँ आपको आप वहाँ पे आपको ये एंटोमोलॉजी कंप्लीट कोर्स दिखेगा, ठीक है. इस कंप्लीट कोर्स के अंदर में आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, दूसरी चीज़ अगर हम बात करेंगे तो आपको वीडियो के PDFs और जो नोट्स हैं उनसे रिलेटेड वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी. आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा एवरी कोर्स का. यानी अगर हम बात करते हैं कि एंटोमोलॉजी के अंदर बेसिक एंटोमोलॉजी होता है, एडवांस एंटोमोलॉजी होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा. आफ्टर कंप्लीटिंग दी कोर्स यू विल बी अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा. और आपको सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसा नहीं कि वन टाइम एक्सेस है या फिर कुछ टाइम बाद एक्सपायर होने वाला है, नहीं, ये आपको 2 साल तक आपको फ्री, मतलब आपने एक बार परचेस कर लिया तो 2 साल तक आपके पास में अवेलेबल रहेगा. सो फिलहाल अभी जो मैंने बहुत रिसेंट लॉन्च किया और फर्स्ट टाइम इसको वीडियो के फॉर्म में बता रहा हूँ, तो अभी 2 लोगों ने इनरोल कर लिया है, और ये मैंने लास्ट जो अपडेट दिया है 2 मई को दिया है. सो आप इसको चाहो तो बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको कंप्लीटली यूजी पीजी के लिए, आपको जो एग्जामिनेशन के लिए, फिर कह सकते हैं जो जो बच्चे जो एंटोमोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए, उनको एक एंटोमोलॉजी का बहुत अच्छे से एक आइडिया हो जाएगा. चाहे वो आप ICR यूजी के हो, पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, BHU PG ICR ARS वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप, या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, तो आप उसके लिए हमारे इस कोर्स को बाय कर सकते हो. सो आप जब बाय करने जाओगे तो आपको ये वेबसाइट पर जानी है, जैसे मैंने बताया, gofforagriculture.com/courses, और वहां पे आपको ये जो कोर्स है वो दिखेगा. उस पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन आएगा ऐड टू कार्ट, यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट पे जाना है, और परचेस करने से पहले आपको एक कोर्स सॉरी कूपन यूज करना है, दैट इज कॉल्ड भारत 10, ठीक है. भारत 10 यूज करने पे आपको 10% जो है इस पे एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, यानी जो 4500 है इस पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और आप ये इस कोर्स को परचेज कर सकते हो. हाँ, मैं आपको ये चीज बता दूं कि मॉक टेस्ट जो है, आप जैसे कंप्लीट कोर्स करोगे तभी आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा. ये नहीं कि आपने लेक्चर देखा ही नहीं, आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, नहीं, ऐसा नहीं होगा. कि आप जैसे जैसे कंप्लीट करते जाओगे उस हिसाब से आपके मॉक टेस्ट जो है वो अपडेट होते जाएंगे, मतलब आपको इनिशियली सारे मॉक टेस्ट नहीं दिखने वाले हैं. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज आर लेक्चर, इंपॉर्टेंस क्या है इनका, ठीक है. तो सबसे पहला कि एडल्ट्स आर एरियल प्रीडेटर्स, ठीक है. और आपने पहले भी प्रीडेटर्स हैं तो मॉस्किटो कंट्रोल करने में ना ड्रैगन फ्लाइज बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं हमें, ठीक है. दे आर एबल टू कैच होल्ड एंड डेवर द प्रे इन फ्लाइट, ठीक है. फ्लाइट उड़ते टाइम भी ये प्रे को पकड़ सकते हैं. नाइट्स आर एक्वाटिक प्रीडेटर्स, मतलब एक्वाटिक जो छोटे छोटे एनिमल्स होंगे उनको नाइट्स खाते हैं, तो उनके लिए फूड जो है एक्वाटिक छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे नाइट्स के लिए. ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसल फ्लाइज, अब ये मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, कैन बी कलेक्टेड विद एन एरियल नेट, ठीक है, नियर स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स, स्पेशली इन अ सनी डे. मैंने आपको बताया ना, सनी डे में, और वो कहाँ पे, स्ट्रीम्स और पॉन्ड्स के आसपास में. नाइट्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम दी सैलो फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड राइस फील्ड्स. राइस फील्ड्स तो ऑलरेडी है, हम जानते हैं पानी होता है राइस फील्ड्स में, वहां पे, या फिर वाटर पॉन्ड्स में आपको जो जहां पे पतला सा धार होगा ना पानी का, वहां पे आप इसको कलेक्ट कर सकते हो. सो दीज आर दी बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग दी ऑडोनाटा. अब हम बात करते हैं कि ऑडोनाटा को क्लासिफाई किस तरीके से किया गया है. तो दे आर क्लासिफाइड इनटू टू सब ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है, जिनको रखा गया है एन आइसोप्टेरा, सॉरी. तो ये 2 सब ऑर्डर कौन कौन से हैं, एन आइसोप्टेरा और जाइगोप्टेरा, ठीक है. तो जाइगोप्टेरा में कौन से आते हैं, डैमसल फ्लाइज आते हैं,
ठीक है, मैं आपको डेमसल फ्लाइज भी दिखा देता हूँ। और एनाइसोप्टेरा में कौन आता है? ड्रैगन फ्लाइज आता है। आप देख लो पहले डेमसल फ्लाई, आपने इसको भी देखा होगा, ये वाला जो इंसेक्ट है ना, दैट इज कॉल्ड डेमसल फ्लाई। आपने डेमसल फ्लाई तो देखा ही होगा, आपने कई बार तो उसको पकड़ा भी होगा। ठीक है, ओके। बात करते हैं, मैंने बताया कि ये दो सब ऑर्डर्स में डिवाइड किए गए हैं, एनाइसोप्टेरा एंड डेमसल जाइगोप्टेरा, जिनमें डेमसल फ्लाइज आती हैं। तो यहाँ पे आप देखो मैंने इनको डिफ्रेंशिएट किया है एनाइसोप्टेरा एंड जाइगोप्टेरा के लिए। ठीक है, तो इसमें ड्रैगन फ्लाइज हैं, इनमें डेमसल फ्लाइज हैं। अगर हम बात करें एडल्ट के बारे में, तो स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स होते हैं, ये वीक फ्लायर्स होते हैं। वीक फ्लायर्स कहने में बहुत दूर तक फ्लाई एकदम से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, विंग्स आर अनइक्वल, हाइंड विंग्स आर बेसिकली ब्रॉडर देन फोर विंग्स, पीछे के जो विंग्स होते हैं ज्यादा चौड़े होते हैं, इनमें इक्वल होते हैं। ठीक है, विंग्स आर ब्रॉडली अटैच टू द एब्डोमेन। ठीक है, विंग्स आर पेटियोलेटेड एंड नैरोली अटैच्ड, मतलब अगर हम देखें ये जो बॉडी है ना, ठीक है, ये बहुत नैरो अगर अटैचमेंट होगा इस तरीके का, ठीक है, तो वो डेमसल फ्लाई का है। और अगर ये बॉडी है, एब्डोमेन पार्ट है, इस तरीके से अटैचमेंट है, अगर ये अब देख लो कितना चौड़ा अटैचमेंट है यहाँ पे, तो ये होता है ड्रैगन फ्लाइज के अंदर में। ठीक है, तो विंग ऑब्वियस है कि अटैचमेंट बहुत अच्छा है, तो विंग्स बहुत स्ट्रांग है, तो हमारे ये स्ट्रांग फ्लायर्स कहलाते हैं। वेनेशन इज नॉट सिमिलर इन बोथ दी फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स, वेनेशन डिफरेंट हो सकता है विंग्स का। वेनेशन इज आइडेंटिकल इन बोथ दी विंग्स, विंग्स आर स्प्रेड लेटरली इन रेस्ट, ठीक है, स्प्रेड साइड साइड पे ही रहते हैं रेस्ट के टाइम पे भी। विंग्स आर हेल्ड एट एन एंगल अबव दी एब्डोमेन, मतलब ये ऐसा नहीं कि एब्डोमेन को कवर करता है, लेकिन ये एब्डोमेन जैसे अगर ये अगर हम साइड से देखें ना, अगर इनका बॉडी है, ठीक है, तो ये विंग्स ऊपर की तरफ ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो ये किसका है? डेमसल फ्लाई का केस है। और अगर हम बात करें इनके इनमें, अगर ड्रैगन फ्लाइज में, तो ये विंग्स जो होते हैं रेस्टिंग पोजिशन में ऐसे होते हैं, बॉडी के ऊपर नहीं होते, एब्डोमेन के ऊपर नहीं होते हैं, ये एब्डोमेन के साइड साइड में होते हैं। और ये जो केस है, दैट इज फॉर द डेमसल फ्लाई। ठीक है, ओके। विंग्स आर स्प्रेड लेटरली एट रेस्ट, ये तो बता ही दिया। कंपाउंड आईज आर लार्ज एंड मीट मिड डॉर्सली, जिसको हम लोग बोलते हैं होलोप्टिक आईज। ठीक है, और इसमें अगर बात करें, कंपाउंड आईज आर बटन लाइक, ठीक है, ओके, यहाँ पे लार्ज था, यहाँ पे बटन लाइक एंड वाइड अपार्ट, दूर दूर होते हैं। मेल हैज थ्री एब्डोमिनल अपेंडेजेस, टू सुपीरियर एंड अपेंडेजेस, यानी सरकाई अगर बात करेंगे, एंड वन इंफीरियर। ठीक है, फोर टर्मिनल एब्डोमिनल अपेंडेजेस होते हैं, यहाँ पे कितने हैं? तीन। ठीक है, मैं आपको वापस दिखाता हूँ, इसमें कितने अपेंडेजेस है? तीन, और इसमें है चार। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखोगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इनकी डिफरेंस के बारे में, सो विंग्स आर, हमने बात कर लिया, हाँ वेट अ सेकेंड, नेक्स्ट इज ये ओवी पोजीशन के बारे में। सो ओवी पोजीशन इज एक्सोफाइटिक एंड ये है ओवी पोजीशन इज इंडोफाइटिक। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, मैंने आपको पहले ही प्रीवियस लेक्चर पढ़ा, इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं जाते हैं। ठीक है, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखोगे, जब कंटिन्यू आप सीरीज को फॉलो करोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। सो अब जैसे मैंने बोला ना कि बहुत सारे कलर्स में पाए जाते हैं, आप देख लो यहाँ पे कौन से कलर में है, पिंक या फिर रेडिश कह सकते हैं, ये भी रेड कलर में है। ठीक है, आपने ग्रीन भी देखा होगा, अभी मैंने आपको जो पहला इमेज दिखाया था, अब याद करो, देखो ये जो पहला इमेज है, आप देखो ये रेड है, नहीं है ये, इनका इनका कलर कैसा है, ये अगर हम बात करें तो येलोइश ब्लैकिश में है। तो ये बहुत सारे कलर्स में, यानी जो हमने लिखा था ना अट्रैक्टिवली कलर्ड, ये बहुत सारे कलर में पाए जाते हैं। सो एक दो तो हमने बात कर लिया जो आपने जनरली देखा होगा। सो अगर हम बात करते हैं, तो यही है हमारे इनके बेसिकली एडल्ट के डिफरेंसेस के बारे में। अगर नाइट में देखते हैं, ठीक है, तो स्टाउट एंड रोबस्ट होते हैं, ठीक है, सिलेंडर एंड फ्रेगाइल होते हैं। अब इनके नाइट को देखो, ड्रैगन फ्लाइज के, और इनके नाइट को देखो, दोनों पानी में ही रहेंगे। गिल्स आर इंटरनल एंड फाउंड एसोसिएटेड विद रेक्टम, ठीक है, एबल टू प्रोपेल देमसेल्फ बाई फोर्सिवली इज एक्टिंग वाटर थ्रू दी एनएस फ्रॉम रेक्टम। ठीक है, मतलब बहुत तेजी में एनएस से पानी निकाल के अपने अपने को आगे की तरफ फ्लो कराते हैं। ठीक है, थ्री कॉडल गिल्स आर प्रेजेंट विच आर विजिबल एक्सटर्नली। ठीक है, ओके, लैक जेट प्रोपल्शन मैकेनिज्म, ये जो जेट प्रोपल्शन है ना, कि अपने एनएस के साइड से बहुत तेजी पानी को फ्लो कराना और आगे की तरफ मूव कर जाना, ठीक है, ये इसमें मैकेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता है। आई होप गाइज आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी एक प्रॉब्लम है या फिर कुछ ऐसा रह जाता है, सर आपने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, वहाँ पे मैं आपको जरूर से आंसर करूंगा। सो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं। साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जहाँ पे आप हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो टीचर्स हैं, आप उनसे भी बातें कर सकते हो और डिफरेंट अपने डाउट्स को भी वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। इवन जो भी अपडेट्स होता है वीडियोज़ के रिगार्डिंग, आप यूट्यूब पे अगर आपको अपडेट नहीं जा रहा, तो टेलीग्राम ग्रुप पे तो आपको अपडेट डेफिनेटली मिल जाएगा। साथ साथ आप हमको फॉलो आउट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट, दैट इज गो फॉर एग्रीकल्चर, फेसबुक अकाउंट विच इज ऑन द सेम यूजर नेम, दैट इज गो फॉर एग्रीकल्चर, एंड टेलीग्राम चैनल विद द सेम यूजर नेम, दैट इज गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइज इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको ये लेक्चर से कुछ भी सीखने मिला है, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।